आदाब, आप देख रहे हैं दानिशन और मैं हूँ शगुफा सैयदा। इस वक्त हमारे साथ जो दिल्ली हिंसा में जो पत्रकारों के ऊपर हमला हुआ था वो हमारे साथ मौजूद है। आइए हम उनसे बात करते हैं। किस तरह से वहाँ पर आप लोगों के साथ, कौन सी जगह थी जहाँ पर आप लोगों के साथ हमला हुआ, पूरा आप बताएं। मेरा नाम सुशील मानव है और मैं पिछले 2 महीने से NRCCA के मुद्दे को लगातार कवर कर रहा हूँ। हम वहाँ पे जन चौक के लिए गए थे रिपोर्टिंग के लिए, ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए। तो सुबह 10 बजे का टाइम था, मैंने इन्हें कॉल किया था, हमारी सुबह बात हुई थी कि हम वहाँ चलेंगे और गलियों में जाना है तो इसलिए हमें एक बाइक चाहिए, ये बाइक लेके आए थे। तो मैं इनका वेट कर रहा था दिलसाद गार्डन में, 10 बजे का टाइम था, मेरी अम्मी का फ़ोन आया तो बताई कहाँ हो। मैंने बोला कि मैं दिलसाद गार्डन में हूँ, दिल्ली में हूँ। बोली खाना वाना खा के गए हो? मैंने कहा हाँ खाना खा के गया हूँ। तो बोली मैं टीवी में देख रही हूँ स्थिति बहुत ख़राब है दिल्ली की, मुसलमानों के एरिया में मत जाना और बाई चांस अगर जाते हो तो बहुत एहतियात से बहुत सतर्क हो के रहना। और मैंने मुझे तरस आ रहा था, मैंने मम्मी से बोला कि आप देख लो आप टीवी में क्या दिखा रहे हैं, और भी कुछ दिखा रहे हैं, कैसे नारे लग रहे हैं, कौन लोग हैं, किसको मार रहे हैं, ये सब दिखा रहे हैं क्या? तो 1-1.5 मिनट बात हुई, मैंने कहा मैं खाली होकर आपको कॉल करता हूँ और अपना ख्याल रखिएगा, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो फिर बोल के उसके बाद ये भाई साहब आ गए, फिर हम उनके बाइक पे बैठ के गए। वहाँ से हम सीलमपुर गए जहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है औरतों का, वहाँ पे पहले भी गया था, वहाँ पे लोगों से हमने बात की। फिर हम आगे मुस्तफ़ाबाद गए, वहाँ से वजीराबाद, और फिर और आगे हम बाबरपुर और मौजपुर। आप लोगों पे हमला कहाँ पर हुआ? मैं बता रहा हूँ, बाबरपुर मौजपुर गए और उसके बाद फिर वहाँ से हम दिल्ली गए, दिल्ली कह रहा हूँ, मौजपुर पिलर जो था वहाँ पे, जहाँ पे कपिल मिश्रा का मीटिंग हुआ था, वहाँ से हमने लाइव किया, बात किया। फिर हम वहाँ से, हमें पता चला कि नूरीलाई में कोई जो है किसी की डेथ हो गई है, उनको गोली लगी थी, तो जनाजा उठने वाला है। हमने कहा चलो हम वहाँ उनके जनाजे में चलते हैं। वहाँ हम गए, वहाँ पे लोग, छोटी छोटी गलियाँ थी, बंद थी, घर के जो बुज़ुर्ग थे वो बल्ली लगा के गलियों में बिल्कुल बंद करके बैठे हुए थे कि बाहर का कोई अंदर गलियों में ना पाए। बावजूद इसके उन्होंने हमें जाने दिया, बात किया, लोगों से मिलने दिया। हम जितने भी मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज़ में गए वहाँ पे लोगों ने बहुत ही कोऑपरेट किया, हमसे बहुत अच्छे से बात किया, अपनी पीड़ा उन्होंने बयां की। एक बुज़ुर्ग ने हमें बताया कि मौजपुर का जो इंटरनल एरिया है, जो गलियाँ हैं, आप वहाँ पर जाइए, वहाँ की खबर कहीं नहीं है, ना तो TV पे है और ना तो किसी अखबार में है, कोई नहीं दिखा रहा है। हमने उन्हें भरोसा दिया कि आप बिल्कुल सब्र रखिए और मैं तुरंत जा रहा हूँ। उनको दिलासा दे के हम वहाँ से निकले, मौजपुर के लिए वापस आए। मौजपुर में वो जो मेन एरिया था वहाँ पे पूरा बैरिकेड्स लगा हुआ था, वहाँ पे बहुत भारी मात्रा में पुलिस फोर्स थी, और वहाँ पे गली नंबर 7 जहाँ पे शुरू होता था बिल्कुल वो वही पॉइंट था जहाँ पे रतनलाल के मर्डर हुआ था। जो हेड कांस्टेबल, उसमें ये जिक्र हुआ, आपने देखा है शायद उनका मर्डर, जिस तरह से उनको गोली लगी है? नहीं, उस टाइम पे मैं वहाँ नहीं था, उस पॉइंट पे उनको गोली लगी थी। अच्छा, वो पॉइंट वो था, उस पॉइंट पे उनको गोली मारी गई थी और वहीं पे एक DCP को भी गोली लगी थी, वो घायल हुए थे। तो हमने कहा कि इस गली में चलते हैं, यहाँ पे 2 पुलिसकर्मियों की अगर उन पे गोली चली है तो इस गली में चल के देखते हैं क्या है गली में। गली नंबर 7 जो थी वो हिंदू बाहुल्य एरिया था और वहाँ पे ये भाई साहब बाइक चला रहे थे, बाइक पे ही थे गली में, मैं पीछे से जनचौक के लिए लाइव कर रहा था फेसबुक लाइव। हम बमुश्किल 100 मीटर आगे बढ़े थे उस गली में और लगातार पीछे से, आगे से 2 लड़के आए, उन्होंने रोका, अरे रुको रुको वीडियो कैसे बना रहे हो आप? हमने कहा हम मीडिया से हैं। बोले कहीं से हो आप, वीडियो क्यों बना रहे हो? फिर 2 बाइक आके और रुक गई, उसमें से 2 लड़के उतरे। बोले वीडियो क्यों बना रहे हो? हमने कहा आप लोग मुल्लों के एरिया में नहीं जाते हो, आप लोग हमारे एरिया में आके वीडियोज़ बनाते हो और गलत सलत दिखाते हो हमारे बारे में, इस तरीके की बातें उन्होंने की। फिर हमारा ID कार्ड मांगा, हम ID कार्ड दिखा ही रहे थे झोले से निकाल, तो इतने में उन्होंने हमें मारना शुरू कर दिया। हम बाइक से उतर गए थे उस टाइम और उन्होंने उठा के हमें रोड पे पटका। कितने लोग थे उस टाइम पे? जब ये शुरू में तो 4 लोग थे, उसके बाद ये भीड़ 25-30 के करीब पहुँच गई थी वहाँ पे। और उसके बाद ये बड़ा ताज्जुब का मेरे लिए था कि वो गली, जब हम लोग वहाँ पे लाइव कर रहे थे तो गली में बिल्कुल सन्नाटा था, लोगों के जो मकान थे गली दोनों तरफ गली में वो बंद थे, इक्का दुक्का लोग आ जा रहे थे, लेकिन अचानक से वहाँ पे प्रकट हो गए 25-30 लोग, सबके पास हथियार, उसमें से 5-6 के पास तो तमंचे थे। और फिर मैं लगातार अपना, तो उस एरिया में पुलिस नहीं थी? नहीं, उस एरिया में पुलिस नहीं थी, जो मेन रोड था पुलिस का पूरा, बड़ा भारी मात्रा में पुलिस फोर्स वहाँ पे था, वो गली थी,
वो एरिया के बाहर हम 150 मीटर अंदर थे, 150 मीटर बाहर पुलिस थी और बड़ी भारी मात्रा में वहाँ पे पुलिस फोर्स थी। तो उस गली में फिर हमारे साथ बहुत मारपीट हुआ, गिरा के मारा गया हमें बहुत। हम लगातार अपना पेट वगैरह जो इंसेंसिटिव एरिया था वो कवर कर रखे थे बॉडी का, उसके बाद भी लगातार हमें मार रहे थे। हम बोल रहे थे कि आप हमें छोड़ दीजिए, हम हिंदू हैं। आपने ये वर्ड यूज़ किया? हाँ, वो मैं उन्हें बोल रहा था कि मैं वो जब उन्होंने बोला कि आप लोग कटुआ के उसमें नहीं जाते हो और हिंदुओं के आते हो, तो मैं समझ गया वो हिंदू मेजोरिटी थे। हम देख भी रहे थे, नेम प्लेट जो घरों में लगे थे वो हिंदू हिंदू नेम थे, वो हिंदू का ही गली था पूरा। वो जो मॉब थी जो हमें लिंच कर रही थी वो सारे हिंदू लड़के थे वो। तो आप तो खुद हिंदू थे, तो फिर आप मतलब जब आप बता रहे थे तो फिर इस तरह की वारदात? हाँ, उसके बाद वो लगातार मार रहे थे, वो भरोसा नहीं कर रहे थे। फिर उनमें से एक ने मेरे सामने रिवाल्वर निकाली, उसमें उन्होंने वो पूरा खाली था, उसमें एक गोली उसने लोड किया और मेरे बिल्कुल यहाँ पेट पे लगाया उन्होंने। और लगा के बोला कि उस टाइम पे जब लगाया वो बहुत, मैं उस पल को नहीं बयां कर सकता। मुझे सुबह मम्मी से बात हुई थी, वो याद आ रहा था। और उसके बाद वो लगातार बोले, अच्छा ठीक है तू हिंदू है तो हनुमान चालीसा सुना। मैंने हनुमान चालीसा सुनाई। फिर एक दूसरा बोला कि नहीं फिर से सुना। मैंने फिर से सुनाया हनुमान चालीसा, गायत्री मंत्र सुनाया मैंने। उसके बाद उन्होंने, उसके बावजूद उन्होंने विश्वास नहीं था, वो बंदूक के उस पर ही हमारी पैंट उतरवाई गई। हमने पैंट उतारा, उन्होंने देखा, फिर दूसरा आया उसने फिर से पैंट उतरवाई और फिर उन्होंने चेक किया, उन्होंने कन्फर्म किया कि हाँ ये हिंदू है। उसके बाद भी वो मार रहे थे हमें, ये चेक करने के बाद भी, वो आइडेंटिफाई करने के बाद के हिंदू हैं, उसके बाद भी वो मार रहे थे हमें और वो लगातार मार रहे थे। और फिर वहाँ पे एक दो पुलिस वाले अचानक से आए, मुझे नहीं पता किसी ने बुलाया या देखता के आए, वो बोले इसे जाने दो छोड़ दो। फिर वो लोग थोड़ा मारना छोड़ के खड़े हुए, उसमें से कोई कहीं गया नहीं, सब वहीं थे, सबके पास हथियार था, पुलिस वहाँ पर थी। उसके बाद मेरे इस झोले से उसमें से कुछ उन्होंने डॉक्यूमेंट्स निकाले, वो NRC विरोधी थे। उसमें से एक ने कहा ये NRC विरोधी है। अच्छा, ये भी मामला वहाँ पे? हाँ, वो ये बोले ये NRC विरोधी, इसके पास देखो ये डॉक्यूमेंट्स जो है वो निकाला उन्होंने, वो NRC विरोधी है। मुझे लगा मामला दूसरा शुरू हो सकता है, मैंने झट से उनके हाथ से वो पेपर लिया और मैंने फाड़ के फेंकते हुए बोला कि मैं रिपोर्टिंग के सिलसिले में हर जगह जाता हूँ। अच्छा। और किसी प्रोटेस्ट में किसी ने दे दिया होगा, मैंने झोले में रख लिया, मैंने ध्यान नहीं दिया क्या लिखा है क्या नहीं, मैंने फाड़ दिया उसको वहीं पर। तो उनको लगा कि अच्छा, उन्होंने पुलिस से बोला ये बात, उन्होंने पुलिस से बोला कि ये NRC विरोधी है। अच्छा, पुलिस का वहाँ पे क्या था फिर, क्या रिएक्शन था? पुलिस, मैंने जब फाड़ दिया इसके बाद, तो पुलिस उस टाइम हमें देख रही थी अजीब से तरीके से। और वो जब मैंने फाड़ दिया, मैं बोला कि इससे मेरा कोई लिंक नहीं है और मैंने ऐसे ले लिया था, मुझे नहीं पता क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। तो उसके बाद फिर वो बोले नहीं ठीक है इनको जाने दो, उन्होंने हमें जाने दिया। फिर वहाँ से उस गली से निकल करके मेन रोड पे आए, मेन रोड के अपोजिट साइड में ही बाबरपुर रास्ते वो शुरू होता है एरिया, वहाँ पर हम गए 400 मीटर करीब। जनता क्लिनिक थी, एक मुस्लिम कम्युनिटी का एक क्लिनिक था, वो चलाते थे, वहाँ पे पूरा स्टाफ मुस्लिम ही था। उन लोगों ने हमें पानी पिलाया, हमारा फर्स्ट एड वहाँ पे हुआ। पैसे नहीं लिए उन्होंने, हमने कहा नहीं ले लीजिए। फिर एक दूसरे आ गए श्रीमान, वो भी वहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए आए थे, बुजुर्ग थे, मुस्लिम कम्युनिटी से वो भी बिलोंग करते थे। उन्होंने कहा नहीं नहीं हम देंगे, वो दावा करने लगे पेमेंट के लिए। तो ये सारा जो मामला जो आपकी पिटाई हुई, तो आपने इस पे FIR दर्ज कराया है? उस टाइम पे FIR का बिल्कुल दिमाग में आया था, लेकिन सबसे पहले ये था कि अपनी जान बचानी है, वहाँ से भागना है किसी तरीके से। और दूसरा ये था कि हम ये भी डिसाइड कर रहे थे, अगर हम वापस रोड पे जाते हैं और क्या पता वो ढूंढते हमें फिर आ गए हो रोड पे, तो मेन रोड पे जाना वापस थोड़ा जोखिम भरा काम था। तो हमें लगा कि हम गली से ही निकलते हैं, तो वहाँ पे कुछ बाबरपुर मुस्लिम मेजोरिटी एरिया था, वहाँ पे कुछ लोग थे जो मैकेनिक्स थे, उनसे हमने पूछा कि हमें रास्ता बताइए, हमें जाना है वेलकम मेट्रो। अच्छा। तो वहाँ पे कुछ ऑटो वाले भी थे, वो भी मुस्लिम से ही थे। उन्होंने कहा आप डरो मत, आप सेफ हो। उन्होंने पानी ऑफर किया, हमने पानी नहीं लिया। हमने कहा नहीं मुझे अब जाने दीजिए। तो वो जो है ऑटो बोले हम छोड़ते हैं, हमने कहा हम अपने बाइक से हैं। बोले कोई बात नहीं। वो ऑटो अपना आगे आगे हमारे लेके के शीलमपुर तक हमें उन्होंने छोड़ा। वो बोल रहे थे हम वेलकम तक छोड़ देते हैं। हमने कहा नहीं हम यहाँ सेफ हैं, हम चले जाएंगे। तो आपने अब तक इस पर कोई FIR दर्ज नहीं? FIR हमने लॉज नहीं किया। मैं कल कई बार मैंने ऑनलाइन FIR का कोशिश किया, ऑनलाइन FIR नहीं हो पाया। मैंने 100 नंबर पर डायल किया कि वहाँ पर FIR अगर हो सके, कंप्लेन हो सके तो हो जाए। तो वहाँ से मुझे बताया गया कि यहाँ से हम लोग केवल पुलिस टीम या पुलिस अगर हेल्प चाहिए आपको तो पुलिस भूत भेजते हैं, इसके अलावा हम यहाँ पे FIR या कंप्लेन नहीं दर्ज करते हैं। मैंने अभी दिन में भी ऑनलाइन FIR दर्ज करने की कोशिश की दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पे, वहाँ पे वो हो नहीं रहा है। पता नहीं मुझे क्या पता है क्या रीज़न है, नहीं हो पा रहा है। अच्छा।
आप भी थे उस हमले में, तो आपका नाम क्या है? अवधु आजाद नाम है। कैसा लगा जब जिस तरह का जो माहौल आपने देखा, मतलब आपके साथ क्या हुआ वहाँ पे? वहाँ तो हम लोग एक्चुअली में जो वजीराबाद का एरिया है, ये जो मौजपुर के बगल में है, पता चला कि यहाँ पे एक लड़के गोली लगी है, वो मर गया है, उसकी बॉडी उठने वाली है। तो हम लोग सोचे कि वहाँ चले जाते हैं। गलियों में गए तो सुनसान था, कुछ और अंदर बढ़े तो मुस्लिम्स लोग मिले जो बहुत ही भयानक डरे हुए लोग थे। उन्होंने बताया कि ये जो हमला हुआ है वो यहाँ के लोगों ने नहीं, कोई बाहर से लोग आए हैं, उन लोगों ने यहाँ पे हमला किया है और हम लोगों के घरों में घुस के जो है मारपीट कर रहे हैं, उनके साथ पुलिस भी इन्वॉल्व है। तो ये सब सुनने के बाद तो जाहिर सी बात है कि बहुत डर सा महसूस हो रहा था, लेकिन उधर में हम लोगों को काफ़ी सपोर्ट मिला। घूम फिर करके पता चला कि यहाँ पे जो है कि रतनलाल को यहाँ पे गोली लगी थी गली नंबर 7 के पास, तो हम लोग उधर में रुक किए। तो वहाँ जब रुक किए तो पैरामिलिट्री फोर्स कोने पे खड़ी थी, कभी 800 के करीब लोग थे। वहाँ से 150 मीटर हम लोग अंदर गए होंगे तब तक हम लोगों के साथ ही हादसा हुआ। दो लोग आए, बाइक रोके, वीडियो क्यों बना रहे हो, ये सुशील भाई से पूछे कि इसके बाद जो है कि रोक लिया। रोकने के बाद में इनसे आईडी मांगा, आईडी बोले कि मैं दिखा रहा हूँ, दिखाने की कोशिश कर रहे, उतने में पीटना चालू कर दिया, बहुत बुरी तरीके से मारा। इसके बाद मेरी भी उन्होंने आईडी मांगा, आईडी देखने के बाद पूरा मारपीट किया, बोला कि ये अवधु आज़ाद कौन होता है, हैं ये तो मुस्लिम है। मैंने कहा भाई मैं अम्बेडकरवादी बौद्धिस्ट हूँ और मैं मुस्लिम नहीं हूँ, माइनॉरिटी का एक हिस्सा होता है बौद्धिस्ट, वो मैं हूँ। इसके बाद भी उन्होंने मारपीट जारी रखा, बहुत मारा पीटा, मेरे सर में इधर चोट आई। इसके बाद फिर मेरे भी कपड़े उतरवाए, मेरी पेनिस को देखने के बाद बोले कि नहीं ये जो है कि हिंदू है, इसको छोड़ा जाए। तो उसी में सब अलग अलग बातें कर रहे थे, इस दौरान में एक पुलिस वाला आया, वो बोला कि भाई ये लोगों को छोड़ दो, जाने दो। तो हम लोग वहाँ से चले आए, जब आए तो देखा कि जहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्स थी वो तो वहाँ बिल्कुल नदारद थी, मतलब इतनी दूरी में हमारी आवाज़ सुन सकती थी, वो पता नहीं क्यों वहाँ से गायब हो गई, ये तो नहीं कह सकते। हम तो पुलिस का ही रवैया समझ रहे थे, लेकिन पहला पैरामिलिट्री फोर्स का गायब होना ये थोड़ा अपने हिसाब से सही नहीं लगा। तो उधर का माहौल तो बहुत भयानक है, उधर कम से कम हम लोग 5-6 किलोमीटर तक घूमे होंगे, तो बहुत बुरी स्थिति है। वहाँ मुस्लिम के तरफ से कोई वार नहीं हो रहा है, वो अपने बचाव के उसमें है। वहाँ जो एक हिंदू मिले थे उन्होंने बताया, हिंदू भी ब्राह्मण कम्युनिटी से थे, उन्होंने बताया कि एक मुस्लिम के घर में 4 हिंदू लोग रहते हैं किराए पे, उनके साथ कुछ भी ऐसा कुछ नहीं हुआ।